देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आता है इसमें पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या है, जो इसकी आउटर लेयरिंग है, यहाँ पे जो हमारे पास ये बिल्कुल आउटर की जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन कवरिंग, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन कवरिंग हो, तो जो भी हमारे पास ये आउटर की कवरिंग होगी बोन की, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ये क्या होता है, फाइबरस कनेक्शन होता है, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू मेम्ब्रेन है, और ये जो फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं शार्पेज फाइबर। ठीक, इसमें जो भी ये हमारे पास ये यहाँ तक देख सकते हैं आप, येलो येलो हल्का सा, ये हल्का वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये सारा का सारा जो है वो पेरियोस्टियम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे फाइबर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शार्पेज फाइबर्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, पेरियोस्टियम को कंबाइन करके रखते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी बोन को। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अभी लास्ट पीछे स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉर्नर्स पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो ये जो कॉर्नर्स पे कार्टिलेज प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। बेसिकली क्या होता है, जब बोन डेवेलप होती है तो स्टार्टिंग में ये पूरी की पूरी बोन क्या होती है, कार्टिलेज की ही बनी होती है, धीरे धीरे ये चेंज होती है और एंड में आते आते सिर्फ ये कॉर्नर पे ही बचता है, तो इसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। जो कार्टिलेज बोन में प्रेजेंट होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एपिफाइसिस मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, डिक्रीज फ्रिक्शन एट जॉइंट सर्फेस। ठीक, तो इसका क्या रोल प्ले करेगा कि ये जो फ्रिक्शन होगा, दो बोन आपस में कंबाइन हो रखी होंगी और कोई भी मूवमेंट होगा कुछ भी, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होगा उसको ये कम करने का काम करेगा। सेकेंड, मेडुलरी कैविटी, जो ये सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैविटी होगी, तो ये मेडुलरी कैविटी हम इसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये मैरो प्रेजेंट होगा। ठीक, जो एडल्ट होंगे वहां पे येलो बोन मैरो, और इन्फेंट्स में यहाँ पे, सॉरी, हाँ, एडल्ट में येलो बोन मैरो और इन्फेंट्स में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। कैविटी ऑफ द शार्प कंटेन येलो बोन मैरो इन अडल्ट एंड रेड बोन, सॉरी, रेड मैरो इन इन्फेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है इसमें एपिफाइजियल लाइन। यहाँ आप देख सकते हैं जो एपिफाइसिस वाला रीजन है, यहाँ ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये है हमारे पास एपिफाइसियल प्लेट। ये एपिफाइसियल प्लेट क्या करती है, ये एपिफाइसियल लाइन है बेसिकली, ये जिनकी बनी होती है वो हमारे पास एपिफाइसियल प्लेट्स होती है। तो ये बेसिकली क्या है कि जब कोई भी ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसमें ये हेल्प करती है बोन को ग्रो करने में। अब कोई भी छोटा बच्चा होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो जब ग्रो करेगा तो उसमें बोन्स के नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे, जस्ट क्या होता है कि जो हमारा बोन का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये एपिफाइसियल लाइन और एपिफाइसियल प्लेट क्या करते हैं, ये डिवाइड करती हैं, और जो बोन का साइज है उसको ये बढ़ाने में, उसको ही मतलब ग्रो करने में हेल्प करती है। तो इट हैज द एपिफाइसियल प्लेट और डिस्क ऑफ कार्टिलेज। ठीक, और ये क्या करेंगी, हमारी हेल्प करेंगी चाइल्ड को, जब वो टॉलर होगा, लॉन्गर होगा, तो उस टाइम पे ये हेल्प करेंगी। नेक्स्ट, यहाँ से अभी ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सेंटर में स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट है, अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे हमें क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर इसको हम ऐसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट उसको अगर हम ये अंदर देखें तो ये क्या होगा, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। अभी एक ट्यूब की जो कवरिंग है इसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं। ठीक है, पेरिओस्टियम था जो इस पूरी बोन की हमारी कवरिंग थी, उसे हम पेरिओस्टियम बोल रहे थे। अब इस पूरी बोन के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसकी कवरिंग को हम बोल रहे हैं एंडोस्टियम। ठीक, अब ये एंडोस्टियम की आगे स्ट्रक्चर कि यहाँ पे ये इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग प्रेजेंट होती है जिनको कि हम लैमेली बोलते हैं। आगे इसके स्ट्रक्चर्स को भी हम और देखेंगे। बोन मार्किंग, अभी क्या है, जो हमारे पास ये बोन है प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, कुछ इसकी मार्किंग्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो बोन मार्किंग बेसिकली क्या है, सरफेस पे से सरफेस फीचर्स ऑफ बोन होता है कि जो हमें बाहर से ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये क्या रोल प्ले कर रही होगी, साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट। एक मसल को दूसरी मसल के साथ में कंबाइन करने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, टेंडन्स होंगे तो वहां किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, लिगामेंट्स के लिए, और नर्व और ब्लड वेसल्स के पासेस वो कहाँ से निकल रहे होंगे। तो उन सभी चीजों को हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ना ऐसे मार्किंग कर दिया, नाम दे दिया है कि वहां से ये सारी चीजें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनको हमने थ्री ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्रोजेक्शन फॉर मसल अटैचमेंट, कि जहां से मसल अटैच करेंगी उसके लिए, सरफेस दैट फॉर्म ज्वाइंट्स, डिप्रेशन और कैविटीज। ठीक, तो इसके बेस पे
जहाँ पे हमने इन सबको डिवाइड किया। तो ये एक आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन दैट आर साइट ऑफ मसल एंड लिगामेंट अटैचमेंट, तो जहां से हमारी दूसरी मसल या लिगामेंट